के फ्री ट्रेड के अगर हम किसी भी अदर कंट्री के साथ इस तरह का स्टेप सोच भी लें तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देगा कि हमारे कमर तोड़ के रख देता है। क्या वजूहत है कि हम अमेरिका से डरते हैं लेकिन इंडिया नहीं डरता? जी नहीं, क्लियर है। अभी तक हम जो जंग ला रहे हैं वो सर्वाइवल की जंग से नहीं बाहर निकले, और जो इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑफिशियली तौर पर अनाउंस कर दिया गया है, ट्रेड पहुंच सकती है 50 बिलियन डॉलर्स तक। डॉक्टर साहब, आज का मेरा आपसे बात करने का पर्पस ये है कि मैं फ्री ट्रेड के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि इंडिया अभी मार्शल तौर पर मजबूत हो गया या नहीं, इसको थोड़ा डिफाइन करें। स्टेप इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि हमारी जोन से ना हिस्ट्री में भी कुछ हमें ऐसी चीजें हो चुकी हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, रिजीम चेंज हो गया। दूसरा, हमारी फॉरेन पॉलिसी जोन से ना वो अभी इस काबिल नहीं है, स्टेबल नहीं है कि वो हमें जोन से ना एक अच्छी डेवलपमेंट दे सके, ठीक है। और सेकंडली, अगर हमारा मुकाबला इंडिया के साथ है तो इंडिया की यूथ भी जो है ना वो एक तो एजुकेटेड है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम जो उनका हमसे बहुत ज्यादा बेहतर है, ठीक है। सेकंडली, अगर ट्रेड की बात करें तो फ्री ट्रेड में सबसे ज्यादा जरूरी जो है ना वो चीजें आपकी डिप्लोमेसी किस लिहाज से बेहतर है। हमने लास्ट टाइम जो है ना रशिया के साथ कुछ डेवलपमेंट्स के जो है स्टेप्स लिए थे, बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हम उनको अटेंड नहीं कर पाए, ठीक है। और इंडिया जो है ना वो जरा अपनी पॉलिटिकल जो है ना स्टेबिलिटी की वजह से वो कुछ स्टेप ले लेता है, ठीक है, और उनकी जो है ना वो मतलब सारी बातें यहाँ पे खत्म होती हैं कि जब तक हम पॉलिटिकल स्टेबल नहीं होंगे ना तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। सही, तो फ्री ट्रेड इंडिया को कहाँ लेके जा रहा है? आप देखेंगे फ्री ट्रेड के अगर हम किसी भी अदर कंट्री के साथ इस तरह का स्टेप सोच भी लें तो अमेरिका हम पर इतने सैंक्शन लगा देगा कि हमारे कमर तोड़ के रख देता है। क्या वजूहत है कि हम अमेरिका से डरते हैं लेकिन इंडिया नहीं डरता? देखिए, इंडिया जो है ना वो कभी भी ये बात नहीं सोचता कि उन्हें किसी चीज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक तो वो फ्री ट्रेड के ऊपर रिलाय करते हैं, ठीक है। सेकंडली, उन्होंने जो है ना वो उनके साथ कुछ मुतालबात ऐसे किए हुए हैं कि वो किसी के ऊपर जो है ना रिलाय नहीं। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम आपका? वलीद। वलीद, वलीद, अभी आपको पता होगा कि इंडिया करंटली जो है बहुत से ममालिक के साथ ट्रेड कर रहा है, तजारत कर रहा है। पहले वो चाइना के साथ, बेशक उसके खिलाफात है, मगर चाइना के साथ कर रहा है, रशिया के साथ कर रहा है। अभी यूके, जब ऋषि सुनक पीएम बना है तब उन्होंने यूके के साथ भी शुरू कर दिया, और अब लेटेस्ट अपडेट यही है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी इंडिया ट्रेड करने जा रहा है। एक तरफ इंटरनेशनल रिलेशंस पे इतना काम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, ट्रेड पे काम कर रहे हैं, और दूसरी जानब हम क्या कर रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं आप इन चीजों को? मैडम, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस में ये होता है कि हर एक को सिर्फ अपने मफाद का पता होता है कि हमें किससे क्या चाहिए, किसी को किसी से कोई हमदर्दी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि इंडिया वो इस चीज को बड़ी अच्छी तरह समझ रहा है कि हमें सिर्फ अपने फायदे पे काम करना है। और दूसरी तरफ हमारा ये है कि हमारा मसला ये है कि हमें एज अ नेशन या एक सिविलियन को भी ये नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है। एज एन इंडिविजुअल और कलेक्टिवली भी हमें एज अ नेशन भी नहीं पता कि हमने कहाँ जाना है। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे ऊपर पॉलिटिक्स है, जो हमारे पॉलिटिशियंस है, उन्हें भी नहीं पता कि हमने कहाँ जाना और हमारा मकसद क्या है। और दूसरी बात यह है कि हमारा एक सबसे बड़ा जो मसला है इन मसाइल की वजह से कि हमें अपने गोल्स ही नहीं क्लियर है। अभी तक हम जो जंग ला रहे हैं वो सर्वाइवल की जंग से नहीं बाहर निकले, और जो इंडियंस हैं दूसरी तरफ देखें तो वो कंपटीशन में मुब्तला जी, वो कंपटीशन में मुब्तला है। और दूसरी तरफ देखें, अगर इंटरनेशनल कंपनीज की बात कर लें, फॉर एग्जांपल या किसी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एप्पल की बात कर लें, उनके जो सीईओज तक वो इंडियंस बैठे हुए हैं। तो यानी सबसे पहला मसला तो हमारा ये है कि जब तक हम सर्वाइवल की जंग से बाहर नहीं निकलेंगे हम ये चीजें। पाकिस्तान ने कभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है किसी कंट्री के साथ? सुना तो नहीं है। 75 सालों में हमने भी कभी नहीं सुना कि पाकिस्तान ने कभी कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हो, तो क्या वजूहत हो सकती है कि पाकिस्तान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? पाकिस्तानी सोच थोड़ा सा छोटी रखते हैं, बड़ी सोच रखे तो फिर उनके हालात ठीक हो जाएं। ये अपनी सियासत में रहते हैं और आपस में लड़ाई झगड़े में रहते हैं, फलाह ने यूँ कर दिया, फलाह ने यूँ कर दिया। अगर इस तरह सोचते तो आज पाकिस्तान जो है ना वो काफ़ी अच्छी अपग्रेड पे होता। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए इंडिया की या बाकी जो मुख्तलि इंडिया ने इस वक्त 80 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड जो है एग्रीमेंट कह लेंगे साइन किया हुआ है। आप सऊदी भी चाह रहे हैं इंडिया के साथ करें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भी इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो